कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास में दूर दराज क्षेत्रों से पैदल आने वाले लोगों को मानो ताजा लग गया हुआ है। लोग कैसे भी करके मंजूरी के चलते पेट्रोलियम पदार्थ के ट्रक में छुपकर भरे करीब 20 लोगों को यहां पर ट्रक ने उतार दिया और चला गया। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद ट्रक की सुविधा मिली थी, लेकिन ट्रक ने भी यहां उन लोगों को उतार दिया। लोग भूखे प्यासे यहां पर अब सड़कों के किनारे पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं जब एबीएन न्यूज 20 टीम ने उन लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि मैनपुरी के पास से उनको ट्रक मिला था। वह लोग गाजियाबाद से पैदल चलकर मैनपुरी तक पहुंचे थे। यहां पर रुके भूखे प्यासे बेसुध होकर सड़कों के किनारे पड़े व बैठे दिखाई दिए। तभी आसपास के कुछ समाज सेवियों ने उनको खाना खिलाया। आइए जानते हैं वो कहां से आए थे। मैं आपका कहां से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। कैसे आप लोग दिल्ली से आए? साधन मिलता गया, पैदल आते गए, कम से कम 250 किलोमीटर पैदल आए। कहां जाना, कहां है आपको? दिल्ली में क्या करते थे आप? आर्कन वेल्डर। प्राइवेट कंपनी में जो पैसे वगैरह आप लोगों को मिले थे क्या? नहीं, पैसे वगैरह तो मालिक ने मना कर दिया। खाने पीने की किस तरह की दिक्कत आई रास्ते में? खाने पीने की चावल आटा 60 रुपये किलो है। नाम पीयूष गुप्ता है। ये आप लोग किसकी सेवा में लगे हुए, कहां पर लगे हुए हैं? हम लोग इस समय उन यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं जो कि लॉकडाउन के बाद से पैदल यात्रा करने पर मजबूर हैं। जीटी रोड पर पश्चिमी बाईपास पर इसमें हम लोग खड़े हुए हैं। तो वो यात्री जो दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव साइड से अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, कोई बिहार जा रहा है, कोई फतेहपुर जा रहा है, ऐसे लोग जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। कौन कौन लोग, बस्ती के भी कोई सहयोग मिल रहा है? हम लोगों को सहयोग जो है पश्चिमी बाईपास पे जो यहाँ पे पास में बस्तियाँ हैं वहाँ से सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही साथ नगर की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हम लोगों के साथ में आई हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रहरी है, नील शांति सेवा संस्थान है, माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान के तहत हम लोग कोरोना सिपाही के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। कोरोना सिपाही के रूप में हम लोग घरों से भोजन इकट्ठा करवा के और हम लोगों ने 3 जगहों पे पॉइंट्स बनाए हैं, पश्चिमी बाईपास, पूर्वी बाईपास और फरुखाबाद चौराहा। तो वहाँ पर हम लोगों ने वॉलेंटियर्स और पुलिस के सहयोग से डिस्ट्रीब्यूट फूड जो है हमने रखवा दिया है, लंच पैकेट्स, और निकलने वाले यात्रियों को वहाँ से भोजन उनको अवेलेबल हो रहा है 24 घंटे।